हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है और ये आबादी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और 90% फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो मोस्टली लोग बनाते ही बनाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, होली, ये चीज़ें बनती ही हैं। दिवाली पर हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें पैसे देती है, सरस्वती की पूजा करते हैं उनसे हमें ज्ञान मिलता है, ऐसे ही होते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत होता है, कुछ ना कुछ हमें संदेश मिलते हैं हर फेस्टिवल से। लेकिन अफसोस होता है, हम उन देवियों की पूजा करते हैं लेकिन जो हमारी रियल लाइफ में होती हैं देवियाँ, हम जैसे गोडैक्स होती है, गोडैक्स नवरात्रों में पूजी जाती है, लक्ष्मी को दिवाली पर पूजते हैं, वो होती तो एक वूमेन ही है, लेडीज़ होती है, लेकिन उनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं, वो काफ़ी कुछ सिखाती है। और हमारी लाइफ में भी हमारी मदर, बहन, सिस्टर होती है या बेटी होती है, वाइफ होती है, बुजुर्ग होते हैं, वो उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग उनके लिए व्रत रखते हैं, देवियों के लिए उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ देवी, रियल लाइफ गोडैक्स की रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, ये उन्हीं चीज़ों की रेस्पेक्ट करता है जो चीज़ें उन्हें शो कर दी जाती है, जो चीज़ें उन्हें दिखा दी जाती है। मुझे लगता है अगर रियल लाइफ औरतें, वुमेन किसी भी तरीके की हो, वो डॉटर हो या वो वाइफ हो या फिर मदर हो, अगर वो अपनी शक्ति का शो ऑफ करे, अपनी शक्ति को दिखाए पुरुषों के सामने, तो पुरुष उनके प्रति जो गलत विचार रखते हैं या जिसका वो शिकार होती है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये चीज़ें उनके साथ कभी नहीं होगी। देवी ने हमेशा, हिस्ट्री को उठाकर देख लो आप, कोई भी औरत जो लड़ी है वो आगे बढ़ चुकी हैं पुरुष प्रधान समाज में, और जो देवियां हैं उन्होंने भी राक्षसों को मारा था, सभी लोगों ने उन्हें मानना शुरू किया, उन्होंने उन्हें पूछना शुरू किया। अगर रियल लाइफ की औरतें भी ऐसा कुछ करने लग जाए जिनसे उन्हें रेस्पेक्ट मिले, तो पुरुष प्रधान समाज में उनकी जगह होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको, आपका जो भी सजेशन है, जो भी कमेंट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो आपकी राय है, वो ज़रूर दीजिए।